शास्त्रों वेदों ने बहुत प्रकार के सिद्धांत बताए हैं, हम अगणित कह सकते हैं, किंतु वे सब भगवान से मिलाने वाले नहीं हैं, भगवान की ओर कुछ दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। जितने भी सिद्धांत या मत हैं हमारे विश्व में, सब भगवान की ओर तो चलते हैं, किंतु कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए पहले वेदों में, वेद कहता है कि उपासते पुरुषम जे ह्यकामास ते शुक्र मेत दति वर्तन्ति धीराः। वे बुद्धिमान मनीषी धीर लोग माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं जो कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। फिर वेद कहता है भक्तिरेवैनम नयति, भक्तिरेवैनम पश्यति, भक्तिरेवैनम दर्शयति, भक्तिवशः पुरुषः, भक्तिरेव भूयसी। केवल भक्ति, एव शब्द का प्रयोग संस्कृत में जहां भी होता है उसका तात्पर्य है केवल, केवल भक्ति से ही जीव और ब्रह्म का मिलन हो सकता है, और कोई मार्ग है ही नहीं। क्यों जी, इतने बड़े वेद में तो यह कहा गया है कांड त्रयात्मको वेदा, तीन कांड है वेद में, कर्म कांड तो 90% है और उसके बाद ज्ञान कांड है और थोड़ा सा उपासना कांड, भक्ति कांड है, तीन कांड है। और आप कहते हैं केवल भक्ति से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होगा। हाँ, वेद कह रहा है भक्ति रेव, केवल भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम एकम एकम शरणम ब्रज, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्य। अन्य में कहीं मन ना रहे 0.1% भी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा सुलभा, मैं सुलभ हूं। भक्त्या माम अभिजानात यावान यश्चास्मि यादृशः, भक्ति से ही मुझे कोई जान सकता है, पा सकता है, मुझ में लीन हो सकता है। ना हम वेदैर न तपसा न दाने न चेज्यया, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव अहमेवं विधोर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है। सैकड़ों स्थानों पर गीता में एक ही बात को दोहराया गया है कि केवल भक्ति से ही मैं प्राप्त हूं, ज्ञान से नहीं। नहीं, बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये सब गीता के बाद, और किसी साधन से भगवान नहीं मिल सकते, और सब सामान मिल सकता है संसार का। ये गीता के जो वाक्य हैं, नाहम वेदैर न तपसा, ये सब वेद के अनुवाद हैं, वक्ता तो एक ही है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन
यमे वैश विवृणुते तेन लभ्यस्तस्यैश आत्मा विवृणुते तनुग्वम स्वम। वेद कह रहा है, अरे तो वेद ही में तो कर्म ज्ञान का भी उपदेश है। हाँ है, फिर देखिए ये भक्ति पर ही सारे आचार्य और सारे ग्रंथ जोर दे रहे हैं, साथ में कर्म और ज्ञान का निरूपण भी कर रहे हैं। हाँ, मजे की बात देखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा, बंधन होता है। न त्याज्यमिति चापरे, गीता कहती है कर्म का त्याग न करो, और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, यह भी कह रही है गीता, ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कोई नहीं। ज्ञानादेव ही कैवल्यम। अब ज्ञान पर विचार करो भाई, रीते ज्ञानान्न मुक्ति कहता है शास्त्र, ज्ञानादेव ही कैवल्यम कहता है, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना सब कह रहे हैं। आप कहते हैं केवल भक्ति, नहीं ज्ञान से भी नहीं काम बनेगा। देखो दो प्रकार की माया होती है, एक विद्या माया एक अविद्या माया। तो विद्या माया से अविद्या माया का अत्यंत अभाव हो जाता है, समाप्त हो जाती है अविद्या माया, किंतु विद्या माया नहीं समाप्त होती। ये गुणावरिका माया है, ये नहीं जाती, स्वरूपावरिका माया चली जाती है। तो विद्या माया को समाप्त करने के लिए भगवान की कृपा आवश्यक है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो भगवान का चैलेंज है, उस कृपा के लिए भक्ति करनी होगी। तो भक्ति से विद्या माया जाएगी तब भगवान का ज्ञान होगा, उसके पहले वाला ज्ञान आत्मा का ज्ञान होता है। तो आत्मा का ज्ञान तो अंश ज्ञान है। भक्त्या माम अभिजानाति, आत्मज्ञानी को भक्ति के द्वारा फिर पूर्ण ज्ञान, यावान यश्चास्म यादृशा। तो भक्ति के द्वारा ही ज्ञानी को मोक्ष मिलेगा। ज्ञान शब्द का बड़ा गंभीर विचार आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने किया है, और सारे भाष्यों में ज्ञान ही को मेन माना है। भक्ति को किसी भाष्य में उन्होंने माना ही नहीं, क्योंकि सगुण साकार भगवान को माना ही नहीं भाष्यों में, लेकिन पश्चात मान लिया। तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति, कथम त्वत्कटाक्षं विना, बिना भगवान की कृपा के ज्ञान नहीं हो सकता ब्रह्म का। अपना ज्ञान हो जाएगा, अविद्या चली जाएगी, विद्या नहीं जाएगी। और जब तक माया गुणावरिका है, 84 लाख में घूमा करेगा, भले कितने बड़ा ज्ञानी हो। जड़ भरत ज्ञानी थे, विश्वविख्यात ज्ञानी, लेकिन विद्या माया नहीं समाप्त कर पाए, भक्ति नहीं की। तो हिरणी शावक में उनकी आसक्ति हो गई और मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। बड़े बड़े योगींद्र मुनि फिर संसार में आकर चक्की पीसते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति के बिना कोई
उपाय ही नहीं है माया से उत्तीर्ण होने का, एकमात्र साधन भक्ति। तो कोई भी कर्मी हो ज्ञानी हो, बिना भक्ति के माया निवृत्ति भी नहीं हो सकती, मोक्ष भी नहीं हो सकता, और प्रेमानंद और ब्रज रसानंद आदि की बात कौन करे। तो इस प्रकार भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है, मार्ग है, जिससे जीवात्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। मैंने आपको बताया था कर्म में 6 नियम है, अत्यंत क्लिष्ट, और फल भी स्वर्ग नश्वर। ज्ञान में और कठिन कठिन नियम है, विवेक वैराग्य समाधि षट संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये 4 साधनों से संपन्न हो तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस वेदांत सूत्र का श्रवण करे, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, फिर समाधि, ये सब इतने कठिन है कि कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक, कहना कठिन है, समझना और कठिन, साधन और कठिन। और अगर कोई कर भी ले सतयुग आदि में तो पुण्य प्रत्यूह अनेक, जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानते कर्म भी, जीवन मुक्त भी फिर कर्म बंधन में पड़ जाते हैं। बिना भक्ति की कृपा के ज्ञान से न माया निवृत्ति होगी और न भगवत प्राप्ति।